बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो। सो गाइज, वंस अगेन आज की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, सो वॉच माय वीडियो टिल द एंड, आखिर तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आज का जो बेबी गर्ल का ड्रेस है वो कितना अमेजिंग है एंड कितना प्यारा है। सो आज की वीडियो में जो है वो वाइट कलर का ड्रेस है, उस पर कम्प्लीट हाथ की कढ़ाई है। दिस इज़ फॉर द आई थिंक 7 ईयर बेबी गर्ल। जो कलर्स डाले गए हैं, जो काम किया गया है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है। अभी कल्चर डे आने वाला है तो ये ड्रेस परफेक्ट रहेगा। सो कल्चर डे आने वाला है तो आप उस हिसाब से भी ये ड्रेस बहुत ही परफेक्ट जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, बिकॉज इस पर जो है वाइट कलर है, उस पर हर कलर का काम है। सो मैं आप स्टार्ट करती हूँ वीडियो, और सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड उसके साथ बेल आइकन का बटन है आप उसे क्लिक कर दें। फ्यूचर में आने वाली जो वीडियो होगी मेरी, जब भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी ईजिली आने वाली वीडियोज़ देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो उसकी दामन है इस ड्रेस की, वो दामन आप लोग देखें कि इस पर आपको लग रहा होगा कि लेस है, बट इट्स नॉट एक्चुअली लेस, ये जो है वो क्रॉचेट है। बहुत ही प्यारी नफीस और इतनी पतला, मतलब कि इतनी खूबसूरती के साथ क्रॉचेट लगाई गई है कि बहुत ही प्यारी लग रही है। सिल्क थ्रेड से क्रॉचेट, एक तो वूल के धागे के साथ भी क्रॉचेट लगा सकते हैं, बट इन्होंने जो है वो सिल्क के धागे के साथ क्रॉचेट लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत। ये देखें, बहुत ही पतली नफीस और बहुत ही प्यारी लगाई गई है, मतलब कि लग रहा है कि कुछ लगा ही नहीं हुआ, बिल्कुल लाइट वेट भी है एंड दिखने भी बहुत प्यारी है एंड खूबसूरत भी लग रही है। चारों तरफ दामन पर जो है, ये देखिए, फुल दामन पर जो है वो क्रॉचेट लगी हुई है, और उसके बाद जो है वो उसकी नेक भी बड़ी प्यारी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो है वो वन साइड बॉर्डर है, राइट साइड पर जो है बेसिकली ये बॉर्डर है, लेफ्ट साइड पर कुछ और है वो भी दिखाऊँगी मैं, लेकिन राइट साइड पर जो है वो ये बॉर्डर बनाया गया है। ये बॉर्डर बेसिकली इट्स अ कुंडी का काम, कुंडी वर्क जो होता है वो किया गया है इस पर। ये देखिए, ये कुंडी का काम है, कुंडी का काम बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि ये मशीन का काम है, हाथ का काम लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना नफीस और खूबसूरत और प्यारा होता है। इसीलिए इस पर शीशे भी यूज़ किए गए हैं एंड सितारा भी यूज़ की गई है। इट्स जस्ट लाइक अ बेल, जिस तरह से होती है उस तरह से है। ये फ्लावर्स कुछ इस टाइप के हैं, कुछ इस टाइप के लगाए गए हैं एंड कुछ ये है, ये जो है वो, ये देखिए, इट्स अ सीक्वेंस। ये बहुत ही आराम से आप लोगों को मार्केट में, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए, ये सितारा है, मल्टी कलर का शेड दे रही है, वन कलर की नहीं है ये, मल्टी कलर में। ये देखिए, अब ग्रीन दे रही है और अब येलो एंड ऑरेंज इस तरह से शेड दे रही है। मल्टी कलर के सितारा करके आप मांगेंगे तो आराम से आप लोगों को ये शॉप से मिल जाएंगी। एंड ये जो है, ये भी सिल्क के धागे साथ कुंडी का काम किया गया है। कुंडी का काम अगर आप लोगों को नहीं आता तो सिंपली जो कच्चा टांका होता है, सिंपली सुई के साथ जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, आप वैसे भी ये कर सकते हैं। ये जो है वो मिरर्स लगाए गए हैं, मिरर्स भी आई थिंक स्मॉल साइज़ के नहीं है, थोड़े बड़े मिरर्स यूज़ किए गए हैं। ये लीव्स है एंड देन फ्लावर है, फ्लावर में सारे कलर्स ऑलमोस्ट डाले गए हैं। इट्स आई थिंक डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर, और ये जो है ऑरेंज है, मरून है, पिंक है, लाइट पिंक ब्लू, हर कलर जो है वो डाला गया है। सो अब ये देखिए, इस तरह से जो है वो ये कम्प्लीट, ये कंप्लीट जो है नेक तक जो है वो इस तरह से राइट साइड पर काम किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें जो है वो आप लोगों को एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बता दूं, सितारा के जो है वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है वो पहले आउटलाइन की गई है, उसके बाद बीच में जो फिलिंग है वो सितारा के साथ सीक्वेंस के साथ की गई है, जो कि एक्चुअली बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड ये भी, ये देखिए, इट्स अ चेन स्टिच, ये भी चेन स्टिच है, ये कम्प्लीट जो है वो चेन स्टिच है। अगर आप लोग कुंडी का काम नहीं आता तो चेन स्टिच के साथ भी ये आप लोग काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारा चेन स्टिच के साथ लगाई गई है, सबसे पहले मिरर्स लगाए गए, देन उसके बाद में जो है वो चेन स्टिच लगाई गई। इन फ्लावर्स की आउटलाइन नहीं की गई, जो कि आई थिंक सही किया गया है। अगर आउटलाइन करते हैं आप लोग, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई थिंक आउटलाइन के, विदाउट आउटलाइन के ड्रेसेस बहुत प्यारे फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आउटलाइन करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आउटलाइन नहीं कीजिएगा, ऐसे ही प्यारा एंड खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, अच्छा, इसके राइट साइड पर तो ये है, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है वो डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी की गई है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी थी। ये जो क्रॉचेट लगाई गई है, बेसिकली एक चीज़ आप लोगों में बता दूं कि सबसे पहले जो इस पर पिनटेक्स डाले गए हैं, ये देखें,
ये जो है पहले पिनटेक्स डाली गई हैं 1 2 3 4 5 पिनटेक्स डालकर उन पिनटेक्स के ऊपर जो है वो क्रॉचेट लगाई गई है। जो क्रॉचेट दामन पर लगाई गई है वो ही एक्सेक्ट क्रॉचेट जो है वो यहाँ पर भी लगाई गई है। क्रॉचेट के साथ साथ इन्होंने जो है वो एक एक करके ट्रांसपेरेंट जो पर्ल्स चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मोती जिसे कहते हैं, वो जो है वो डाले गए हैं। थोड़े थोड़े गैप के साथ एक एक करके जो है मोती डाला गया है, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग भी है एंड प्यारा भी लग रहा है। इसके बाद नीचे जो है वो उन्होंने टजल्स डाल दिए हैं, उसी थ्रेड के साथ नीचे एंड पर जो है वो टजल्स डाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डाले गए हैं। इक्वल नहीं है ये, ऊपर नीचे है सारे टजल्स, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो लुक एट दिस कंप्लीट लुक। इसकी स्लीव्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से स्लीव्स पर भी जो है वो बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग की गई है। स्लीव्स पर भी क्रॉचेट है, ये देखिए एग्जैक्ट वही क्रॉचेट है जो कि दामन पर की गई है। एंड इस तरह से जो है वो बेल की लगाई गई है। बेल पर जो है तीन फ्लावर्स हैं, एक ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये। उसके बाद जो है वो सीक्वेंस लगाकर देन लीव्स एंड इस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी गई है। कोई इतना फैंसी नहीं है, आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और कोई इसमें आई थिंक और कोई एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत तो नहीं है। ये भी प्यारा इनको ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये था कम्प्लीट इसका लुक। मैं इसका ट्राउज़र भी आप लोगों को शो करवा देती हूँ। ये देखिए ये जो है वो उसका कंप्लीट लुक है, बहुत ही प्यारा है, ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा है। नाउ आई शो यू गाइस द ट्राउज़र। ये रहा इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र पर भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा है और कपड़ा भी जो है वो ना तो इतना मोटा है ना इतना पतला है, नॉर्मल उठाया गया है। विंटर्स के हिसाब से आई थिंक परफेक्ट है, सही है। तो ये इसके पोंचे स्ट्रेट पैंट है, ये देखिए स्ट्रेट पैंट है, कोई इतना जो है वो ना बूट पैंट है ना तो शलवार है, इट्स अ स्ट्रेट पैंट और बहुत ही अच्छी लग रही है। पहनने के बाद जो है वो बहुत ही प्यारा एंड ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा था। इट्स अ कंप्लीट एंड फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया मिला होगा। ज़रूर ये ड्रेस बनाइएगा और इस ड्रेस की पिक्चर्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। मैं इंस्टाग्राम हैंडल इस लाइक कड़ा ये फन। इंस्टा पर जिसको तस्वीरें लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर तमाम ड्रेसेस की मैं जो पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, अब वहाँ से मेरी तस्वीरें जो है वो तमाम ड्रेसेस की ले सकते। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।